नमस्कार, फोर पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। अभिनेत्री कंगना रनौत लगातार अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहती है और खासा विवाद भी उनके बयानों के बाद छिड़ जाता है, लेकिन बात अब इससे कहीं आगे बढ़ती है। दरअसल कंगना रनौत को अपने बयानों के चलते हुए अब नफरत का सामना करना पड़ा। जी हाँ, आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे उनके साथ एक तरीके से मारपीट हुई है। महिला सुरक्षा कर्मी ने उनको थप्पड़ मारा, गालियां दी गई, ऐसा खुद कंगना रनौत ने बनाया। अब ये विवाद भी काफी बढ़ गया, हालांकि FIR हो गई है और जो सुरक्षा कर्मी थी उसको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन इस तरीके की नफरत का सामना कंगना रनौत को करना पड़ा, जो हाल ही में नई MP भी बनी है, ये तमाम जो हादसे उनके साथ हो रहे क्या दर्शाता है कि आज कंगना रनौत को अपने बयानों को जो बयान उन्होंने पिछले समय में दिए हैं खास तौर से किसानों को लेकर के, क्या उसके चलते आज उन्हें उल्टा भुगतना पड़ा। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ किसान नेता सुखविंदर जी जुड़ेंगे, जिससे हम सीधे चर्चा करेंगे कि एक किसान नेता होते हुए, किसान आंदोलन से वो जुड़ी हुई है, पूरे इस मामले में क्या सोचती है और किस तरीके से इस पूरी घटना को वो देखती है। सुखविंदर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर और चर्चा करेंगे आज, क्योंकि आप एक BKU क्रांतिकारी, जो आपका एक पूरा संगठन है जो किसानों का संगठन है, उससे एक लंबे समय से जुड़ी रही है और हमने देखा कि किस तरीके से किसानों ने संघर्ष किया कई समय तक और उस समय पे हर किसी ने उन पर तरह तरह के बयान दिए। आप कंगना रनौत जिन्होंने एक बयान दिया था उसके चलते हुए एयरपोर्ट पे उनको एक नफरत का सामना करना पड़ता है। एक CISF की कर्मचारी जो सुरक्षा में तैनात है वहां पर, वो उनको थप्पड़ मार देती है और पूरी तरीके से कंगना रनौत कहती है कि गालियां भी दी गई, कैसे इस पूरी घटना को देखते पहला रिएक्शन आपका जानना चाहूंगे। शहीन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को नमस्कार। आपने मुझे इस मामले पे बोलने के लिए बुलाया। तो सबसे पहला रिएक्शन यही है कि जब हम लोग दिल्ली मोर्चा लगा के बैठे थे और वहां पे कोई ऐसा आराम का हालत नहीं था, हमारे वहां से 736 लोग डेड बॉडीज हमने पंजाब और दूसरी जगह भेजी थी, तो तकरीबन हर तीसरे दिन एक डेड बॉडी वहां से आ रही थी। तो उस समय कंगना जी ने जो बयान दिया था, तो उस समय भी पंजाब के अंदर बहुत गुस्सा था इस बात को लेके। तो अभी फिर से उन्होंने आज भी वो अपनी बात से टले नहीं है, आज भी बोल दिया है कि पंजाब में उग्रवाद चल रहा है। तो इसको तो हम दुर्भाग्यपूर्ण ही बोल सकते हैं कि अभी भी वो पंजाब की और किसानों की स्थिति को समझने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी हम लोग शंभू और खनौरी दो बॉर्डरों पे बैठे हैं अपनी वही डिमांड्स लेके जो 2020 में जब हम वहां का आंदोलन 21 में खत्म करके आए थे, तो उस समय सेंटर सरकार की तरफ से हमें लिखित रूप में दिया गया था कि हम आपकी मांगों को पूर्ण करेंगे, लेकिन उसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। आप जब हमने 13 फरवरी से फिर से दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश की, तो आप सब जानते हैं कि कितनी भारी गोला बारूद हमारे ऊपर गिराया गया, ड्रोन का वर्तन किया गया, ड्रोन यूज किया गया और इजराइल का टेक्निक जहां यूज किया गया, जो गाजा पट्टी में टेक्निक यूज करता है इजराइल, और हमारे शुभकरण को सीधा गोली मार के शहीद कर दिया गया। और ये सारा कुछ हरियाणा पुलिस ने अपनी स्टेट के आगे बढ़ते हुए बॉर्डर को क्रॉस करके पंजाब में आके किया। तो इस स्थिति को लेके किसानों में भारी गुस्सा है। आपने देखा है कि BJP के जो लोग जहां बोलने आए, इवन मोदी जी भी आए, अमित शाह, सब लोगों का जहां विरोध किया गया, और जितना हमने बोला उससे ज्यादा विरोध लोगों ने खुद ब खुद ही किया। जिस दिन मोदी जी पटियाला में आए तो हम केवल दो सड़कों पे थे, लेकिन बाद में हमें पता चला कि 7 रोड जो थी गांव वालों ने खुद ब खुद ही रोक ली थी। तो इस स्थिति का जो प्रभाव है वो कुलविंदर कौर के ऊपर कैसे नहीं होगा, हर व्यक्ति के ऊपर ही प्रभाव है इसका। तो वही गुस्सा ही रिफ्लेक्ट हुआ है और हम चाहते हैं कि सरकार इस गुस्से को समझे
इसको समझे और इसको हैंडल करे। क्या मैं सवाल करती हूँ, फिर आप अपनी बात रखिएगा। देखिए 4 PM किसी भी तरीके का हिंसा का समर्थन नहीं करता है, और हम पूरी तरीके से देखिए अपनी बात कहने का, अपना गुस्सा दिखाने का, अपनी नाराजगी दिखाने का एक अलग तरीका होता है। हम इस तरीके के तरीकों को बिल्कुल समर्थन नहीं करते। यानी आप जो बात कह रही है, आप जो पीड़ा किसानों की बता रही है, आप कह रही है कि कहीं ना कहीं अगर जो सुरक्षा कर्मी दे थप्पड़ मारा है कंगना रनौत का, उसको आप जस्टिफाई जो यहाँ पर ठहरा रही है, क्या आप उस हिंसा को सही ठहराती है? क्योंकि जबकि वो एक CSF की सुरक्षा कर्मी है, उसकी जिम्मेदारी बनती है वहां पर सुरक्षा देने की, और अगर वही सुरक्षा में सेंध लगाएगी तो कैसे फिर सुरक्षा के इंतजाम को हम पुख्ता समझेंगे? देखिए हम जो किसान हैं, हमारा हमेशा से ही एक बच्चा हमारा होता है किसान और दूसरा होता है जवान, और माँ बाप वही होते हैं। और जब माँ बाप वहाँ बैठे हैं, साल साल तक बॉर्डर्स पर बैठे रहते हैं और वहाँ पे शहीद हो जाते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ बच्चों के ऊपर इफेक्ट आना वो स्वाभाविक चीज है। और जैसा कि आप बोल रहे हैं हिंसा, अभी हम जब जा रहे थे दिल्ली को 13 फरवरी को, हमारे ओर से कोई हिंसा नहीं की गई थी, एक भी किसी सिटीजन को और किसी पुलिस वाले को, किसी को भी कोई चोट हमारी तरफ से नहीं पहुंचाई गई थी। फिर भी सरकार की तरफ से 70,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई गई, तो वो इतना गोला बारूद जो फेंका गया, वो क्या हम जो स्टेट करती है उसको हिंसा नहीं मानते हैं? क्योंकि उसको जायज मान दिया गया, हालांकि उसका कानून के हिसाब से जस्टिफाइड नहीं था मामला। जैसे कि हाईवे को रोक दिया गया, दीवार निकाल दी गई, कांटे लगा दिए गए और कीलें लगा दी गई, भारी भरकम वहां पे मशीनरी लगा दी गई, और जो गोला बारूद फेंका वो दुश्मन देशों के ऊपर फेंका जाता है, तो वो हिंसा क्यों नहीं है? एक थप्पड़ हिंसा हो जाता है और 736 लोग वहां पे शहीद हो गए, और 23 लोग जहां फरवरी से लेके आज तक 23 लोग हमारे जहां शहीद हो गए हैं। एक तरफ तो मौत हो रही और उसका रिएक्शन हो गया है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस रास्ते में जाएं, लेकिन ये एक रिएक्शन है। एक उस मौके पे क्या हुआ है, वहां कंगना जी का क्या था, वो तो बाद में भी बहुत ही जो उन्होंने बयान दिया है वो बहुत निंदनीय है। वो पंजाब में बिल्कुल, देखिए जो बयान उन्होंने दिया था हम उसका भी समर्थन नहीं करते, आप किसी पर भी इस तरीके का। और कंगना रनौत इस तरीके के बयान हमेशा देती रही है, और ऐसा नहीं है सिर्फ कंगना रनौत ने किसानों के बारे में ऐसा बयान दिया था। हमने देखा तमाम किस तरीके से भाजपा के तमाम नेताओं ने बोला था, खालिस्तानी बोला, आतंकवादी बोला, और एक भाजपा की फीमेल नेता है, महिला नेता है, उन्होंने तो मवाली तक कह दिया था। तो सिर्फ ये कंगना रनौत के साथ ही क्यों इस तरीके से, और वो भी इतने समय के बाद जब वो MP बन गई है, तो क्या सोचे समझे तरीके से इस तरीके से थप्पड़ मारा गया, या ये तुरंत रिएक्शन उनका जो इतने समय की पीड़ा थी वो सामने आई? नहीं नहीं, ये सोची समझी नहीं हो सकती है बात, ये केवल एक मौके का रिएक्शन है। वहां पे कंगना जी का क्या रवैया था वो तो अभी सामने नहीं आया है कि उन्होंने कैसे, पहले तो उनके अंदर बातचीत हुई है, तो बातचीत में उन्होंने कैसा रिएक्ट किया कि वो लड़की बेचारी इतना प्रवोक हो गई कि उसने थप्पड़ मार दिया, तो ये तो अभी सामने आने वाली बात है। ये तो सामने आई नहीं है, पहले ही से थोड़ी थप्पड़ मारा उसने, पहले उसने कुछ बात की। ठीक है, हमने कन्ना जी का वर्जन सुना, वो कह रही है कि किस तरीके से वो चेकिंग के लिए जाती है और जो वहां पर तैनात सुरक्षा कर्मी थी वो इंतजार कर रही थी कि कब कंगना पास आए, उसे साइड से थप्पड़ मारा, और फिर वो साथ ही एक सवाल भी करा करते हैं कि वो ठीक है, सुरक्षित है, लेकिन उनके लिए बड़ा कंसर्न ये है कि पंजाब में किस तरीके से आतंकवाद और उग्रवाद बढ़ता जा रहा है, और शायद उसी की तस्वीर आज एयरपोर्ट पे देखने को मिली। ये बीजेपी का एक सोचा समझा हुआ पैंतरा है,
कि पंजाब को डिस्टर्ब एरिया बोलना है, पहले भी बोला गया था जब किसानों ने आंदोलन किया और वर्ल्ड के सब लोगों ने उस आंदोलन को माना कि शांतिपूर्ण आंदोलन था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये शांतिपूर्ण आंदोलन है, और ये बीजेपी को हमेशा से उग्रवादी ही दिखाई देता है। ये उनका दिक्कत है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। पंजाब वो जगह है जहां से 90% कुर्बानी दी है आजादी के आंदोलन में, और जब अनाज पैदा करना था तो पूरे मुल्क के लिए अनाज पैदा किया गया है, कितना छोटा एरिया है, और वो अनाज पैदा करते करते इतनी फसल पैदा कर दी कि अभी संभालने के लिए स्टोर नहीं है, और जो पैदा करने वाला वो खुदकुशी कर रहा है। इस बात को समझने के लिए कोई तैयार नहीं। सब लोग आतंकवादी, माओवादी, खालिस्तानी, गंदे नाले का कीड़ा, ऐसी चीजें बोले हैं, तो उस चीज का क्यों कोई रिएक्शन नहीं होगा? मोदी जी आए, उनका विरोध हुआ। अमित शाह आए, उनका विरोध हुआ। जो भी आए, स्मृति ईरानी आए, उनका किसका विरोध नहीं हुआ? तो सबका विरोध हुआ। सुविंदर जी, किसानों की इतने समय की पीड़ा जो आप बता रहे हैं, क्या यही वजह है कि पंजाब में हम देखते हैं कि पूरी तरीके से भाजपा जीरो हो जाती है? हालांकि कोशिश पूरी तरीके से की गई थी कि वहां से वोट जो है वोट आ सके और वोट जो है सीट में तब्दील हो सके। जहां पे केवल उन्होंने चुनाव का कैंपेन नहीं किया, जहां पे पोलराइजेशन भी किया गया, दलित वर्सेस अपर कास्ट का पोलराइजेशन का कोशिश किया है पंजाब के अंदर। ये अलग बात है कि पंजाब में कभी भी पोलराइज होते नहीं हैं लोग। जहां किसी भी समय कैसे भी हालात रहे हों, ये जो जाति के आधार पे और धर्म के आधार पे पोलराइजेशन जहां होता नहीं है, इतना लोगों को जहां अवेयरनेस है कि हमको ना जाति के आधार पे लड़ना है आपस में, ना धर्म के आधार पे लड़ना है, जहां पे कभी ऐसे लोग लड़ते नहीं। तो एक्चुअली में पंजाब के लोग इंसाफ पसंद लोग हैं, जहां भी इनजस्टिस होता है वहां आवाज उठाते हैं। इस चीज को समझने के लिए सेंटर की गवर्नमेंट तैयार नहीं है। वो बोल रहे थे आपको एमएसपी मिल रहा है, आप क्यों आ रहे हो? हमने उनसे पूछा, हमने 90% कुर्बानियां दे दी, हमने 65 का जो जंग हुआ, 72 का जो चीन के साथ जंग हुआ, पाकिस्तान के साथ कारगिल का जंग, सब में हमारे जवान शहीद हुए हैं, करते आए। लेकिन ये भी तो मुद्दा है ना कि आप लोग वहां से लगातार खालिस्तान की एक मांग उठती है। आज भी देखिए गुरुद्वारे के अंदर नारेबाजी की गई है, क्योंकि आज ब्लू स्टार की ब्लू स्टार पूरा एक मिशन था, उसकी जो एनिवर्सरी है, तो हमने देखा नारेबाजी लगातार। और इसी चीज को ये लोग लगातार कहते हैं कि खालिस्तान की मांग उठती है, और कंगना रनौत भी इस तरीके की बातें लगातार अपने मन से कहती रहती है। इसमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये जो मूवमेंट थी वो उठी थी पंजाब के पानी के लिए, पंजाब की राजधानी के लिए, और पंजाब के दूसरे मामलों, बोली के लिए, भाषा के लिए, उन चीजों के लिए उठी थी। वो बाद में धार्मिक मूवमेंट का रूप ले गई। वो उसको कितनी मीटिंग्स हुई हैं उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, एक भी इतनी चीज भी नहीं मानी गई कि वहां से ट्रांसमिशन कर देंगे गोल्डन टेंपल से, जो ठीक है। सुबह शाम बाणी होती है, बाणी पढ़ी जाती है, उसका ट्रांसमिशन का भी एक मांग था, वो तक भी प्रवान नहीं किया गया था। कितनी छोटी सी बात थी वो। तो वो मूवमेंट को एक्चुअली में सेंटर की उस समय की सरकार ने पूरी तरीके से इग्नोर कर 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 करके उसको वायलेंट किया। ठीक है सुखविंदर जी, एक सवाल और लेती हूँ। क्या आपको लगता है, क्योंकि देखिए कंगना रनौत अभी एमपी बनी है और कुछ ही टाइम पहले जो है भाजपा से जुड़ी थी, हालांकि विचारधारा उनकी भारतीय जनता पार्टी से मिलती है और उसके हमने कई जो है उदाहरण देखे हैं। जब उस समय उन्होंने बयान दिया था वो एमपी नहीं थी, ना ही भारतीय जनता पार्टी से फॉर्मली जुड़ी हुई, तो क्या आपको लगता है जो भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र में बैठी सरकार ने पिछले कई समय में जो
नफरत किसानों के लिए उस समय फैलाने की कोशिश की, छवि बिगाड़ने की कोशिश की गई कि ये तो झूठे किसान बैठे हुए हैं, आतंकवादी बैठे हैं। क्या उसी सब का असर हुआ कि कंगना रनौत ने इस तरीके का बयान दिया कि ये तो 100-100 रुपए में आके बैठे हैं? और इसी का हम असर देखते हैं कि आज एयरपोर्ट पे इतनी बड़ी घटना हो जाती है कि कंगना रनौत को थप्पड़ खाना पड़ जाता है। हाँ, उस लड़की कुलविंदर कौर ने बोला है कि जब आपने बोला था कि 100-100 रुपए लेके बैठी हैं, क्या आप बैठोगे वहां 100 रुपया लेके? मेरी माँ बैठी थी तो उसकी माँ को गाली दी थी, माँ को गाली कौन लेगा? वो जवान हो, किसान हो, मजदूर हो, कोई भी नहीं लेगा। माँ को गाली क्यों लेगा कोई? ठीक है, यानी वो तो हमारा हाँ माँ को पूरा पंजाब की माँ को गाली दिया। 80-80 साल की बुजुर्ग महिलाएं वहां बैठी हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी जमीन के लिए, अपने हक के लिए, और ये लोग बोल रहे हैं 100-100 रुपए लेके बैठी है। ठीक है सुखविंदर जी, बात भी की जा सकती थी, बात करके नाराजगी जताई जा सकती थी, थप्पड़ ही मारने की नौबत क्यों आई? और उन्होंने कहा कि देखिए गालियां भी दी गई, वो अब एक एमपी है राइट, पहले तो महिला है, महिला के होते हुए तब भी, और एक आम महिला भी हो तब भी इस तरीके से घटना को अंजाम नहीं देना चाहिए, और अभी तो वो एमपी है, एक जो है जनता द्वारा चुनी हुई एमपी बन चुकी है। तो एमपी का भी ड्यूटी है कि लोगों को रिप्रेजेंट करें, लोगों को आतंकवादी नहीं बताएं। वो एमपी का ड्यूटी पहले है, वो लड़की एक कांस्टेबल है और एमपी बहुत बड़ी चीज है, और एमपी ऐसा ऐसा स्टेटमेंट देता है, हम उससे किसी जिम्मेवारी की मांग नहीं करते, एक कांस्टेबल से हम पूरी जिम्मेवारी की मांग कर रहे हैं। ये तो वही है कि जो निचले स्तर पे खड़ा है उसकी पिटाई होगी, जो ऊपर है वो कुछ भी करेगा। ठीक है, आप कह रहे हैं दोनों की जिम्मेदारी बनती है, अगर वो पहले अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करती तो शायद इधर से भी जिम्मेदारी अपनी पूरी तरीके से देखी जाती। बिल्कुल देखी जाती है। ठीक है सुखविंदर जी, आखिरी वो रिएक्शन इसलिए एक बार नहीं बोली है कंगना जी, बार बार बोले हैं, तो बार बार आप लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हो, लोगों को दुखी कर रहे हो, तो उसका कहीं ना कहीं स्वाभाविक रूप में रिएक्शन हो सकता है, और इसको इसी रूप में देखा जाना चाहिए। और हम ये भी चाहते हैं कि सरकार उस लड़की के साथ इस चीज को समझ के ही व्यवहार करे। ऐसा नहीं है कि मैं उसी सब आ रही हूँ, क्योंकि देखिए घटना को अंजाम दे दिया गया है, सो जो लड़की है उनके खिलाफ जो है FIR दर्ज कराने की बात चल रही है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है, यानी उनकी नौकरी जा चुकी है। अब क्या आप ये जो एक्शन लिया गया है, क्योंकि उन्होंने एक थप्पड़ मारा एमपी को थप्पड़ मारा, तो इस एक्शन को क्या आप सही मानती हैं? और अगर नहीं मानती तो आगे आपको क्या कार्यवाही आप चाहती हैं कि इस पूरे मामले में हो, और आप यहां से क्या संदेश हमारे सारे व्यूवर्स को देना चाहते हैं जो इस घटना को दूसरी नजर से देखने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, हम पहले तो ये चाहते हैं कि उस मामले की पूरी इंक्वायरी हो कि ये कुलविंदर कौर ऐसे कैसे भड़क गए, क्या हुआ वहां, पहले कुछ बातचीत हुई है, जो हमने खबरें देखी हैं उससे पता चलता है कि पहले कुछ बातचीत हुई है और उसके बाद ये हुआ है मामला, तो इसको पूरा इंक्वायरी करके और सही कॉन्टेक्स्ट में ही देखा जाना चाहिए। जितना उस लड़की का कसूर होगा उसको भी कुछ ना कुछ ताड़ना हो जाएगी कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसी भी स्थिति में आपको नहीं करना चाहिए था, वो तो उसको ताड़ना हो जाए, पर लेकिन एमपी का भी तो कोई अकाउंटेबिलिटी चाहिए ना। एमपी से हम लोग उम्मीद क्या करते हैं? एमपी से उम्मीद करते हैं कि वो हमको रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे दुख दर्द को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो लोगों को आतंकवादी बता रहे हैं। इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी वो वजित हैं, पंजाब को आतंकवादी बोल रहे। लेकिन सुखविंदर जी, अगर इतना ही बुरा उनका बयान था, मेरा सवाल ये आपसे बड़ा जरूरी बनता है, जब इतना ही गुस्सा लोगों के अंदर कंगना रनौत को लेकर के था, वो चुनाव लड़ती हैं, देखिए मंडी से हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश से भी अच्छी खासी संख्या में किसान आते हैं, तो ये गुस्सा वहां पर क्यों नहीं निकला? कई मार्जिन से वो जीत कर आती है। इलेक्शन एक अलग चीज होती है, वहां पे पहले कांग्रेस है, कांग्रेस के खिलाफ लोगों का गुस्सा हो सकता है, क्या चीज होगी वहां की कंट्राडिक्शन हमें मालूम नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर गुस्सा
इसका तो बहुत ही ज्यादा लोगों ने अपना भावना को एक्सप्रेस कर दिया है, जो 400 पार बोल रहे थे मोदी जी, आज कहाँ खड़े हैं? वो तो लोगों का गुस्सा ही है। गाली से उनकी गाड़ियां टक गई है, और इधर उधर से उनको जो है इस समय बैसाखी की जरूरत पड़ रही है। जी, वही मैं बोल रही हूँ कि मोदी जी ने सारी जिंदगी में कभी भी इस स्थिति का सामना नहीं किया था। ये लोगों का गुस्सा ही है कि आज वो इस स्थिति में पहुंच गए हैं। जो 2047 की बातें कर रहे थे, वो 2024 में ही बैसाखियों पे आ गए हैं। अगर वो लोगों का गुस्सा नहीं समझेंगे तो वे बैसाखी पे भी नहीं रहेंगे। जनता तो को तो क्या ये समझना पड़ेगा। आगे भी बड़ा नुकसान उनके लिए कर सकता है? अगर वो अपना नीति ठीक नहीं करेंगे लोगों के प्रति, तो नुकसान होगा ही होगा। क्योंकि हमारे लिए जो हमारी कृषि है, वो हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है, और कृषि इस वक्त पूरे संकट में है। हमारे लिए ये लड़ाई भी जिंदगी मौत का सवाल है जो हम लड़ रहे हैं। कितनी गर्मी है, तब भी हम लोग वहां गर्मी में हैं। कितना मच्छर है, तब भी हैं। आंधी आ गई और हमारा झोंपड़ी उड़ा के लेगी, फिर भी हम वही हैं। बारिश भी आएगी वहां, ठंड भी थी वहां। और फिर कंगना जैसे ही लोग आते हैं और बोल के चले जाते हैं कि 100-100 रुपए में बैठने वाले आने वाले किसान। वो तो फिर खुद बैठ के देखें कैसे बैठा जाता है। 2 दिन आ जाएं, कभी सुरक्षा दे देंगे हम उनको। 2 दिन बैठ जाएं आके, उनको एक्सपीरियंस हो जाएगा। वो एसी में रहती हैं, हाई फाई लाइफ जीती हैं। उनको क्या पता है किसानों की जिंदगी का, और क्या पता है कि संघर्ष कैसे लड़ा जाता है। उन्होंने कभी लड़ा नहीं। बिल्कुल सुखविंदर जी, बहुत बहुत हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता था कि किसान महिला, एक महिला होते हुए इस पूरे मामले पे क्या सोचती है। देखिए, जिस तन लागे वही जाने की एक कहावत होती है, तो इन लोगों की पीड़ा, किसानों की पीड़ा बिल्कुल हम लोग भी समझते हैं, लेकिन अभी ये किस मेंटल ट्रॉमा में है, किस मेंटल सिचुएशन में, क्योंकि पिछले कई साल से लगातार जिस तरीके से किसानों की नजरअंदाजी की जा रही है, उनकी समस्याओं की नजरअंदाजी की जा रही है, और ऐसे में इस तरीके के बयान आना कि झूठे किसान है और नकली किसान है, आतंकवादी किसान है, खालिस्तानी किसान है, इस तरीके के बयानों के बाद जब ऐसा रिएक्शन आएगा, तो कहीं ना कहीं बयान इस तरीके के रिएक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। बहरहाल, आप इस पूरी रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएगा, और जुड़े रहिए 4PM से। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4PM दिल्ली, मैं थी आपके साथ शाहिद खान।